ये देखिए मेरे साथ आप गोभी के खेत के अंदर, भाई ने मेरे को ये गोभी दिखाई है। आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट और बिल्कुल मखमली मखमली गोभी आप देख रहे हैं, बिल्कुल वाइट। कोई खास विशेषता जी इस गोभी की? ये बगैर स्प्रे के तैयार की गई है, शुद्ध पानी की है जी। तो आपकी गोभी के अंदर बिल्कुल भी पीलापन नहीं दिख रहा, ऐसी क्या खास विशेषता है जी? ये गोबर खाद से तैयार की हुई है। गोबर खाद से? तो जी ये पीछे जो है आपके, ये क्या क्या इसमें लगाया हुआ है जी? ये भिंडी है जी। अच्छा जी, तो भिंडी के साथ साथ और क्या लगाया हुआ है जी खेत में? पालक है, भिंडी है, धनिया है, कद्दू है। तो आप देख रहे थे मेरे साथ, बिल्कुल बिल्कुल मखमली और वाइट रंग की ये गोभी थी। आप देख रहे थे मेरे साथ, आज हम आए हुए थे प्रतापगढ़ के अंदर, और प्रतापगढ़ के अंदर आप देख रहे थे वो ऑर्गेनिक सब्जियां जो बिना खाद और बिना किसी कीटनाशक दवाई के तैयार की जाती है, और बिल्कुल उचित दामों पर हमारे को यहाँ ये सब्जियां मिलती है, और कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। आप कब किसी समय 24x7 यहाँ आ सकते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। हर समय आपको यहाँ ताजी सब्जियां, आप खुद के अपने हाथों से भी तोड़ कर ये सब्जियां ले जा सकते हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं कि सभी ये नारी शक्तियां भिंडी तोड़ रही है, और बिल्कुल खेत का आप दृश्य देख रहे हैं। इस खेत के अंदर आपको हर प्रकार की सब्जियां मिलेगी। आप कभी किसी समय आ जाइए। हाजिर हरियाणा के माध्यम से हम आपसे यह अपील करते हैं कि आप आइए और इन सब्जियों का लुत्फ उठाइए। हाजिर हरियाणा में आज हम आए हैं इस खेत में, और ये एक खाला है और ये डोला है। इस पे माताजी बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि सामने वो लहसुन है और वो भिंडी, जिसे कि हम अंग्रेजी में लेडी फिंगर भी कहते हैं। डोले पर माताजी बैठे हुए हैं। तो माताजी, देसी तरीके से हमने सुना है भी यहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है बिना खाद बूटी के, और ये सामने लहसुन है और ये भिंडी है, तो क्या इसकी खूबी है? सुना है भी आप बिना स्प्रे बिल्कुल देसी तरीके से। हमने बिना स्प्रे से तैयार करी है सब्जियां। अच्छी सब्जी लगेगी, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी के खाने वाले की बीमारी नहीं होती है। तो जी ऐसे ये जो भिंडियां हैं आपकी, इस भिंडी की कोई खूबी? खूबी इस भिंडी में कोई स्प्रे नहीं करते, बढ़िया लगती है, बढ़िया काम चलता है, अच्छा बिहार है। तो जी आपने सुना होगा भिंडी का नाम, भिंडी का नाम जुबा पर आते ही वो मसाले वाली भिंडी याद आ जाती है, जिसे कि हम अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं। और ये देखिए भिंडी के ही खेत में अगर देखेंगे ये महिलाएं भी लगी हुई है। हम इनसे पूछेंगे भी इसकी क्या ऐसी खूबी है भिंडी की। तो जी आप हमारे को बताएंगे जी, ये जो भिंडी आप तोड़ रहे हैं तो क्या जी इसका? भिंडी कीटनाशक दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, शुद्ध भिंडी है, और पानी यानी कि शुद्ध पानी है, सीवरेज का पानी नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे कि खाद, गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। और जो आपके खेत में सब्जियां लगी हुई है, गोभियां इधर साइड में है, इधर घिये है और इधर धनिया है जी, इनकी कोई खूबियां? इनकी खूबियां यही है कि हम स्प्रे वगैरह नहीं करते, यानी कि देसी उपयोग ही करते हैं, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, और पान ना ही कोई, यानी कि सीवरेज पानी है, पानी बोर का ही पानी है, ट्यूबवेल का ही। आपके गोभी के फूल की कोई खास विशेषता? गोभी का फूल बिल्कुल व्हाइट है, सफेद है, पीला नहीं है, मौके का शुद्ध ही है, कीड़ा वगैरह नहीं है गोभी के अंदर। और मैं चलते चलते जब आपके खेत में आया तो बिल्कुल जो मिर्च लगी हुई थी, उन मिर्चों के बारे में? मिर्च अभी मौके की लगाई है, पहली बार फल बहुत लंब, मिर्च की लंबाई बहुत ज्यादा हुई है,
यही है बस, लंबाई देख, मिर्च की लंबाई है और मिर्च की मोटाई भी बढ़िया तरीके से है, तैयारी की है भी मिर्च खुद तैयार, अपने खुद ही प्योद तैयार करके, खुद बीज उगा के, खुद ही तैयार करके मिर्च लगाई है। अन्य कोई सब्जियां माता जी आप बताएंगे भी इस खेत में अन्य और क्या क्या सब्जियां लगी हुई है? अभी मेरे साथ एक माता देखिए कि अपनी भिंडियां तोड़ रही है, तो उस माता से मैं जानूंगा कि आपके खेत में क्या क्या और सब्जियां लगी हुई है। भिंडी लग रही है, बताऊं लग रही है, जुगनी लग रही है, जुगनी 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 क्या है ये बताएंगे आप हमारे हाजिर हरियाणा के माध्यम से? जुगनी लंबा लंबा पेठा वाली वे लग रही है। और अन्य इसके अलावा जो धनिया है और कोई सब्जी? और सब्जी लहसुन लगा रखा, पालक है, पालक है, गोल कद्दू है, कद्दू। तो चलते हुए मैं माता से और पूछूंगा भी और क्या क्या और क्या खूबियां हैं, क्या और सब्जियां हैं, ये मेरी माता मेरे को सब बताएगी भी। यहाँ क्या क्या सब्जियां हैं? यहाँ कद्दू है, तोरी है, सब कुछ है, मूली भी लगी है। मूली मूली अभी मूली अभी भी चल रही है? हाँ मूली चल रही है अभी, बहुत बढ़िया मूली चल रही है। और मूली के ऊपर जो लगती है सोगरी, वो सोगरी भी है, सब कुछ है भैया। तो जी आपका ये जो लहसुन है इसका रेट? रेट क्या है इसका? 100 रुपया होगा रेट, और क्या है रेट नहीं। और लगभग भिंडी 70 रुपए, भिंडी 60-70 रुपए चल रही है। और तो आपके खेत में जी कोई टमाटर या कोई? टमाटर टमाटर नहीं है हमारे खेत में अभी, लगाएंगे। तो माता ने मेरे को बताया देखिए हम बिल्कुल इस शुद्ध वातावरण माहौल में बैठे हैं, पीछे ये देख रहे हैं आप मेरे साथ, ये धनिया है और ये मेरी माता है। माता जी ने ये देखिए जो हमारी नारी शक्ति है, इन्होंने ये भिंडी रोज तोड़कर यहाँ इकट्ठे करके फिर आगे भेजते हैं। तो मैं सभी हाजिर हरियाणा के माध्यम से सभी मेरे हरियाणा वासियों से अपील करूँगा कि शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियाँ खरीदने के लिए आप सिरसा के प्रतापगढ़, जो कि बेगू रोड से अगर हम आएंगे तो बिल्कुल प्रतापगढ़ जो माता मावड़िया का स्थान है, वहां बिल्कुल वाजिब रेट, बिल्कुल वाजिब रेट में आपको ये भिंडियां, लहसुन, गोभी और अन्य सब्जियां आपको बिल्कुल उचित दाम और उचित रेट पर मिलेगी। तो आप कभी भी आ जाइए। और जी कोई संदेश मिलेगा? संडे संडे कुछ नहीं, सब चलेगा, 30 दिन ही। अच्छा, कोई छुट्टी भी नहीं है, किसी समय 24x7? हाँ साथ आओ, कभी ले जाओ, रात दिन यहीं रहता हम। माता ने मेरे को बताया भी कोई छुट्टी नहीं है, चाहे आप रात को 12 बजे भी आ जाए। हाँ जी क्या है जी? ये गोभी है जी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी? हाँ जी। कैसा इसका स्वाद? स्वाद खा के देखो फिर पता लगेगा, बहुत बढ़िया है जी। जी जरूर जरूर हम आपकी गोभी का आनंद लेंगे जी। भाई साहब ये जी कद्दू जी, गोल गोल कद्दू जी, इसको देसी भाषा में जो घिया बोलते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल मखमली है जी? हाँ जी। दूध के साथ कैसा इसका सब्जी बनेगी? बढ़िया एकदम जी। ये और आगे दिखाइए जी, ये दो दिख रहे हैं जी, तो कैसा? बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी। हाँ जी। तो ये आखिर अब आखिर कब तैयार हो जाएंगे आगे? तैयार ही है बस जी, थोड़े दिनों में, 4-5 दिनों में। ठीक ठीक है जी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे ये सारा खेत, बिल्कुल आइए सब्जियों का भरपूर आनंद लीजिए। ये खराब ही हो रहे, बड़े काटे तो बिल्डो हो रहे।